नमस्ते, आज मैं रिबाइटल एच वुमेन के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐड आता है थकना मना है, जी हाँ, इसके बारे में आप सबको पता होगा कि मल्टी विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स भर भर के इसमें होता है, विटामिन्स और मिनरल्स। और वाकई में ये अच्छा काम करता है, जो लोग थक जाते हैं वो लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी उनको एनर्जी देखने को मिलती है। बहुत लोग इसे वियाग्रा टाइप से भी यूज़ कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों। बट क्या सही में इसे लेना चाहिए? एक एज आने के बाद लोग को लगता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। उस कंडीशन में लोग सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये ख़राब है, बट होता क्या है, जब आप नॉर्मल खाना खाते हो तो आपके बॉडी को सारा विटामिन्स मिनरल जो भी पोषक तत्व होते हैं वो तो मिलता ही है। तो ऑब्वियसली तो बॉडी हमारा और जब काम करेगा तो थकेगा ही। थकना भी अच्छा होता है, बॉडी थकेगा तब उसे रेस्ट दो, आराम दो, ऑटोमेटिक वो रिकवर करेगा। बट हम लोग करते क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट ले लेते हैं, नहीं भाई थकना मना है, मुझे तो थकना ही नहीं है, मैं तो हमेशा एक्टिव रहूँगा, मुझे हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, एनर्जी बूस्टर टैबलेट लेना है, बहुत कुछ लेना है हमेशा एक्टिव रहने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना मिनरल्स विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा हमारा बॉडी ले लेता है। तो बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है इसका। होता क्या है कि अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो, अगर आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में भी ले लेते हो, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, डाइजेशन, विटामिन्स और मिनरल्स को हमारा जो बॉडी होता है ज़रूरत से ज़्यादा पचा नहीं पाता है, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में हमेशा गैस बनना, कभी कभी कमजोरी आना, उल्टी आना, सर दर्द आना, किडनी में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर प्रोटीन्स आप ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन्स को हमारा बॉडी, हमारा किडनी पचा नहीं पाता है, पेट हमारा पचा नहीं पाता है, तो ठीक है, तो किडनी में जाके वो आपके प्रोटीन जमा होते रहते हैं, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप ज़्यादा हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो। तो किन लोगों को लेना चाहिए? जिन लोगों की बॉडी में मल्टी विटामिन्स या मल्टी मिनरल्स नहीं बन रहे हैं, आप अगर अपना ब्लड चेक कराते हो, अपना बॉडी चेक कराते हो, अगर रिपोर्ट में कम आती है, तो उस कंडीशन में आप इसे ले सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी ठीक हो, आपका बॉडी में सब कुछ सही है, उस कंडीशन में अगर आप लेते हो तो क्विक एनर्जी तो आपको देगी, बट इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। मैं तो बोलूँगा कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट पहले लो ही मत, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो तो। अगर आप मार्केट में जाते हो, ऐड देखते हो, रिवाइटल का ऐड आ रहा है, भाई थकना मना है, तो आपने इसे परचेज कर लिया कि मैं तो थकूँगा नहीं, मैं तो खा के हमेशा एक्टिव रहूँगा। बट आपने अपना बॉडी का क्या सही में चेक कराया है? 6 महीने में आप फुल बॉडी चेकअप कराते हो, आपके बॉडी में मल्टी विटामिन्स की क्या सच में कमी है? उस कंडीशन में आप उसे लोगे तो सही है, अगर कमी में लेते हो तो सही है, अच्छा काम करता है रिबाइटल। बट अगर आपके बॉडी को मल्टी विटामिन्स की ज़रूरत ही नहीं है, मिनरल्स की ज़रूरत ही नहीं है, उस कंडीशन में अगर आप एज ए एनर्जी बूस्टर इसे ले रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक ये होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सको तो करो। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है सफ़र विथ मयंक, SAFAR सफ़र, WITH विथ MAYANK की मयंक। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।